आज समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बुजुर्गों की सेवा, बच्चे बच्चियों को अच्छी शिक्षा, दहेज रहित विवाह और मातृत्व शक्ति को बढ़ावा देकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। उक्त बातें धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के कार्यक्रम में कही। वे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे। धनबाद के तपोवन कॉलोनी स्थित विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय प्रबुद्ध जनों ने विधायक को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जन्माष्टमी उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण का रूप धारण करने वाले बाल कलाकारों ने लोगों का मन मोहा। इस उत्सव के साथ तपोवन कॉलोनी कृष्णमय हुआ। कॉलोनी में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुंचे, क्या कहेंगे समाज को? समाज को मैंने यही कहा, पहले तो उनको बधाई कृष्ण जन्माष्टमी की। और कृष्ण जी हम हमारे आरंभ करते हैं, बाल लीला में ही उन्होंने आसुरी शक्तियों का नाम करना भी शुरू कर दिया था। बिल्कुल समाज के अंदर आज जो आसुरी हमारे सोच है, खास करके बड़ी संख्या में यहाँ हमारी बहनें उपस्थित हैं, माता बहन उपस्थित हैं, तो अक्सर देखने को आता है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को कैशन चल गया बहुत तो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। बच्चियों के साथ कदाचार अनाचार लगातार बढ़ते जा रहा है। सबको पाता, दहेज, माखन चोर को कहलाया है, आला आला गोविंदा आला। तो हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और मचाया है जो उठे हैं सब, रक्षा करे, माँ बाप की सेवा करे। और एक ऐसा समाज को आगे बढ़ाना तो है, लेकिन अभी आर्थिक की बेला हो गई है, इसलिए मंदिर आरती के बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। कृपया हम लोग सभी आरती में शामिल होते हैं, वो सफल होगा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेम को।